फिर तुम्हें वन पीस लाइव एक्शन सीरीज क्यों ही देखनी चाहिए जानते हो, क्योंकि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हमारे पास और भी तो ऑप्शंस हैं, लाइक एनीमे है, मांगा है, एनीमे में तो 1000 प्लस एपिसोड्स हैं, तो भाई फिर भी हम 8 एपिसोड वाली लाइव एक्शन सीरीज को क्यों ही देखेंगे बे। तो यार इसका बड़ा सिंपल सा आंसर देना चाहूंगा कि पहली बात तो ये कि यार ये जो सीरीज बनाई गई है ना लाइव एक्शन वाली, ये खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एनीमे को देखते भी नहीं है और बस वन पीस का नाम सुन के ही सीरीज को देखना चालू किए हैं। और यार सच्ची बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पसंद आ गया हो तो वन पीस को जरूर चेकआउट करो, क्योंकि उस पे तो और ही बवाल मचा है। दूसरी बात ये कि ये पूरी तरह से फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई गई है। हाँ यहाँ पे थोड़ा काटम पिटा है, वहाँ पे काम चला लेना। तीसरी बात ये कि यार सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि जो वन पीस लाइव एक्शन सीरीज है इसमें जो जोरू का करेक्टर है भाई मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब यार एनीमे में जिस तरह से जोरू काम करता है, जिस तरह से वो बोलता है और जिस तरह से उसने अडॉप्शन लिया है, भाई ऐसा लगता है कि एनीमे से सीधा उठा के इसको लाइव एक्शन सीरीज में डाल दिया गया है, घुसेड़ दिया गया है। भाई ये बंदा नेल डिट काम किया है। वहीं पे लूफी का करेक्टर भी एकदम नया है, इसलिए स्टार लुक तो ऑब्वियसली देखता है अच्छा लगता है। और तीसरी बात, जो नामी का करेक्टर है वो भी अच्छी लगती है, बस सातवें एपिसोड में वो अच्छा फील नहीं करा पाती, लेकिन आठवें एपिसोड में जाती है। पति बात ये कि मूवी में जितने भी सेट सिखाए गए हैं भाई बहुत ही अच्छा है। मतलब यार डॉग यूटायन देख लो, विंडमिल देख लो, या सिक्स आइलैंड देख लो, या शेल्स टाउन देख लो, या सेटअप विलेज देख लो, या सिनो मोटोसुकी विलेज देख लो, या कोको विलेज देख लो, भाई ये सारे विलेज बहुत ही अच्छे से दिखाए गए हैं, जिसमें मुझे पता लग रहा है कि सीजीआई कहां लगा है, कहां नहीं लगा है और भाई कहां का यूज हुआ है। मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसी वन पीस की लाइव एक्शंस अडैप्ट कर पाना भी अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। मतलब यार मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूं कि आज तक जितनी भी एनीमे को लेकर लाइव एक्शन सीरीज बनाई गई हैं उनमें से ज्यादातर फेल्ड हुई हैं और बहुत ही कम है जो कि अच्छी सक्सेसफुल हुई हैं। उनमें से मैं बेस्ट बोलूंगा वन पीस मुझे लगी। वहीं पे पांचवी बात ये मान के चलते हैं कि यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये सीरीज बहुत सारे एनीमे फैंस को शायद डिसअपॉइंट कर जाए, क्योंकि यार जो वन पीस का जो एनीमे वाला है ना उसमें वो करने वाला जो ऐसे करेक्टर होता है ना, वो चीज लाइव एक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब यार सीजीआई वीएफएक्स करके कर सकते हो, लेकिन फिर वो पैसा वहां क्यों ही ठूसे जबकि उससे और भी चीजें दिखाई जा सकती है। मतलब तुम समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। वहीं पे एक और बात भी कहना चाह रहा हूँ कि यार जो सीरीज है ना ये कोई तुम्हें फेक जैसी नहीं लगती, मतलब असलियत जैसा लगता है कि हाँ भाई रियलिज्म लग रहा है, देखने में मजा आ रहा है। और छठी बात यह है कि झलक मात्र है, मतलब जो भी लोग इस सीरीज को अभी देखना चालू किए हो या फिर जो नए लोग इसको देख रहे हैं और वन पीस को देखना चाह रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भाई तुमने जो अभी देखा है ना लाइव एक्शन में वो सिर्फ झलक मात्र है, उसका जो असली वाला मजा है वो तो सिर्फ एनिमे की सेगमेंट की दुनिया में ही है। तुम उसको जब देखोगे तो तुम और भी खो जाओगे, और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे हिसाब से लाइव एक्शन सीरीज जो आई है वन पीस की काबिले तारीफ है, अच्छी है। और जितने भी सेट्स यूज किए गए खासतौर से सीजीआई हॉक को दिखाना, शैंक को दिखाना, वो भी इमोशनली टच बिल्ड कराना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में फील आता है कि हाँ भाई कुछ काम तो हुआ है, कुछ मजा तो आया है। और इसलिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके जरूर देखना वन पीस की लाइव एक्शन सीरीज, प्लीज यार जाके देखो, मजा काफी आएगा। हिंदी डबिंग बहुत अच्छी है। प्लस प्लस अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को सबसे लोग से शेयर करना और यार प्लीज मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाया करो। और अगर तुम्हें एनीमे की दुनिया में के बारे में और भी जानना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, मैं उन पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। मैं एनीमे बहुत देखता हूँ, मुझे खूब पसंद है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उसको देखने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए तुम रेडी हो कि नहीं। और खास तौर से अगर तुम्हें जवान मूवी देखना पसंद है या फिर उसका ट्रेलर देख लिया है, तुम्हें कैसा लगा तुम उसके बारे में बता सकते हो, मैंने उसकी वीडियो भी बना रखी है, तो जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। और यार एक और वीडियो आने वाली है जवान की लीक्ड स्टोरी को लेकर, तो फिलहाल उसके लिए भी तुम्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा या फिर बने रहो ईशानो एक्सप्लेन साथ और कहो जय सियाराम।